और वही नैनीताल के देवस्थल में 4 मीटर के लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने योजना भी तैयार कर ली है। इससे पहले इस जगह पर इसी साल 3.6 मीटर की दूरबीन स्थापित की थी, जिसके जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध किया जा रहा है। अंतरिक्ष अनंत अतः और गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड के कई रहस्यों तक इंसान ने सफलतापूर्वक दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड के कई पहलू अनछुए हैं। अंतरिक्ष के इन्हीं गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पहल शुरू कर दी है। इससे क्या साइंस हो सकती है? 3.6 मीटर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, तो हमने एक स्टेप लिया कि हम बेल्जियम और इंडिया के वैज्ञानिकों को एक साथ इकट्ठा करके इस विषय पर चर्चा करें कि इस 3.6 मीटर और 4.0 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। इसी साल मार्च में नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन स्थापित की गई, जिसके बाद से एरीज यानी आर्यभट्ट प्रेक्ष शोध संस्थान ने सफलता की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। भारत और बेल्जियम की साझा परियोजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से नैनीताल के देवस्थल में ही विश्व की पहली 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित होने जा रही है। देवस्थल में इसका काम भी शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अप्रैल तक ये दूरबीन अंतरिक्ष में विशेषकर तारों के ऑब्जर्वेशन में अपना योगदान देना शुरू कर देगी। ये टेलीस्कोप जो है एक नॉन कन्वेंशनल की टाइप की टेलीस्कोप है। इसमें जो मिरर है वो एक मरकरी को हम यूज करते हैं। इसमें एक रोटेटिंग बाउल होगा जो कि, और उसमें एक मरकरी होगा और जो वो मरकरी उसके सरफेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, यानी कि मिरर का काम करेगा। इस दूरबीन में एक खासियत यह है कि एक तो ये बहुत सस्ती है रिलेटिवली, जो हमारी कन्वेंशनल दूरबीन है 3.6 मीटर दूरबीन है उसके मुकाबले ये करीब 1/20th कम पड़ेगी। और अभी शुरुआत के स्टेज में ये 5 साल का प्रोजेक्ट है और इस 5 साल के पाँच साल में 100 ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इसमें ऑब्जर्व करेंगे। खासतौर पर युवा जनरेशन को ये एक नए फील्ड में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस मिरर टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक तो बहुत कम बजट पर स्थापित हो रही है और दूसरा ये अंतरिक्ष के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखेगी और पूरी रात ऑब्जर्व करेगी। 5 साल के इस प्रोजेक्ट में ये टेलीस्कोप 100 मिलियन स्टार्स को ऑब्जर्व करेगी, जिससे स्टार्स की स्टडी में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ भारत और बेल्जियम की साझेदारी के साथ ही एरीज को दुनिया में नया आयाम मिलेगा। मिरर दूरबीन को सीमित आकाशीय क्षेत्र में लंबे वक्त तक अध्ययन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेंस में मरकरी धातु का इस्तेमाल होने से ये मिरर की तरह काम करता है। इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर दूरबीन कहा जाता है। और इसी को लेकर वैज्ञानिक कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करें, कैसे इसका उपयोग करें और कैसे विश्व भर के वैज्ञानिक अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें, इसको लेकर नैनीताल में वैज्ञानिक मंथन में जुटे हैं। नैनीताल के एटीआई में आयोजित इस सेमिनार में भारत और बेल्जियम के अलावा रशिया, चाइना, जापान, थाईलैंड और ताइवान के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे 4.0 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस मिरर टेलीस्कोप परियोजना को बेल्गो इंडियन नेटवर्क फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी मिली है, जिसका मॉडल तैयार हो चुका है। और इस बार भी बेल्जियम की एमोस ने ये टेलीस्कोप बनाई है, जिसमें एरीज की भी भागीदारी है। ये लिक्विड मिरर दूरबीन स्थापित होने के बाद बेस्ट डेटा सैंपल देगी।
नैनीताल के देवस्थल में स्थापित होने जा रही ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दुनिया की इकलौती टेलीस्कोप है जो भारत और बेल्जियम की साझेदारी को नए आयाम देगी। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।